नीट परीक्षा में मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाए। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र फिर से परीक्षा देंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नीट को लेकर के ये बड़ा निर्देश आदेश सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसे रद्द किए जाने की सलाह के साथ में ये कहा कि ग्रेस अंक पाने वाले छात्र फिर से परीक्षा देंगे। करीब 1563 ऐसे छात्र हैं जिन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। 23 जून नीट की दोबारा से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से हालांकि फिलहाल इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो नीट को लेकर के जो लगातार छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, आशंकाएं हैं और जो स्कोरिंग सिस्टम रहा है जिस पर प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े हो रहे हैं, इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका जो दायर की गई थी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीट से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है और 23 जून को 1563 ऐसे छात्र जिन्हें ग्रेस अंक दिए गए थे उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा गया है। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। एनटीए से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। नीट जहां इस बार 67 ऐसे छात्र जो 100 में से 100 अंक जो होते हैं, 100% अंक जो हैं वो उन्हें प्राप्त हुए। 720 अंकों का ये पूरा एग्जाम था और 720 में से 720 अंक हासिल करके 67 छात्र टॉप पोजीशन पर थे और ऐसे में कुछ सेंटर्स जहां से 6 से 7 बच्चे टॉप सामने आए उसको लेकर के कहीं ना कहीं शको शुबा पैदा हुआ। कुछ छात्रों का ये कहना था कि बहुत बेहतर मार्क्स लाने के बावजूद इस बार उनकी जो AIR है यानी ऑल इंडिया रैंकिंग है वो बहुत पीछे है, हजारों में वो उनकी रैंकिंग खिसकी हुई है, जबकि ऐसा अक्सर होता नहीं है। OMR शीट में जो स्कोरिंग सिस्टम है इसको लेकर के भी छात्रों के मन में कई सवाल थे और इन्हीं तमाम सवालों के साथ में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो छात्र जिन्हें ग्रेस अंक प्राप्त हुए थे उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा। 1563 ऐसे छात्र जिन्हें ग्रेस अंक दिया गया था इन एग्जाम्स में उन्हें अब दोबारा 23 जून को एग्जाम देना होगा। इस बीच एनटीए से 2 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश अब सामने आ चुका है। नीट परीक्षा में मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाए। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र फिर से परीक्षा देंगे। करीब 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 23 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। एनटीए से 2 हफ्तों के भीतर इस संदर्भ में जवाब मांगा गया है और साथ ही साथ मामले की अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 8 जुलाई तय की गई है। नीट में इस बार जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले। अगर पिछले साल की बात की जाए 2023 में नीट के जो नतीजे रहे थे उसमें सिर्फ 2 ऐसे छात्र थे जिन्हें टॉप पोजिशन हासिल हुआ था। इससे पहले भी जो टॉप पर छात्र रहे थे उन्हें भी 100% अंक नहीं प्राप्त हुए थे, जबकि इस बार ऐसा हुआ 100% अंक पाने वाले 67 ऐसे छात्र। हरियाणा के कुछ सेंटर्स में 6 और कुछ में 7 छात्र जो हैं सभी टॉप पोजीशन पर हैं। अब ये कोइंसिडेंस है या वाकई जो नीट में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई है, इसको लेकर के एनटीए से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। ग्रेस मार्क्स का जो इस बार एक क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिला उसको लेकर के, क्योंकि पहले से कोई रूल्स रेगुलेशंस का जिक्र कहीं नहीं है नीट के रूल्स बुक में, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश कि जो ग्रेस मार्क्स हैं उन्हें रद्द किया जाएगा और 1563 ऐसे छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था उन्हें फिर से एग्जाम देना होगा। 23 जून वो तारीख जब दोबारा से नीट के एग्जाम उन ग्रेस मार्क्स पाए छात्रों को देने होंगे और 8 जुलाई वो तारीख जब मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच एनटीए को 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। गोपाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल,
1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था, कहा यह जा रहा है। जरा ये ग्रेस मार्क्स वाला जो सिस्टम है कोर्ट में, किस तरीके से एनटीए ने इसे जस्टिफाई किया और कोर्ट ने इसे क्यों गलत माना, जरा विस्तार से बताएं। देखिए प्रीति, आज केंद्र सरकार की तरफ से कनु अग्रवाल पेश हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक इंटरनल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एनटीए ने तय किया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देना होगा और इसके लिए 23 जून की तारीख तय की गई है। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगा और 30 जून को रिजल्ट आएगा। और साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो 6 जुलाई को काउंसलिंग होने वाला है उस काउंसलिंग में किसी प्रकार का कोई असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बार बार याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह मांग की जाती रही कि काउंसलिंग पर रोक लगाया जाए, क्योंकि काउंसलिंग पर अगर रोक नहीं लगाई गई, एक बार काउंसलिंग हो गया, प्रक्रिया पूरी हो गई तो परीक्षा रद्द करना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को रद्द करता है तो अपने आप काउंसलिंग रद्द हो जाएगी, सारी चीजें रद्द हो जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा किया जो ग्रेस मार्क्स को लेकर के था, बाकी जो 3 अन्य याचिकाएं थी जिस पर आज सुनवाई हुई उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला सुनवाई करेगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स को लेकर के केंद्र सरकार के तरफ से यानी कि एनटीए की तरफ से अब बड़ा कदम उठाया गया है। अब जो छात्र ग्रेस मार्क से चलते 720, 718, 719 अंक लाए थे, जो 1563 है, उन सबको दोबारा जो है परीक्षा देना पड़ेगा। अगर कोई दोबारा परीक्षा नहीं देता है तो उनके जो अंक है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उसे हटा दिया जाएगा और जो बाकी अंक है उस आधार पर उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और क्राइटेरियाज भी थे इस बार जो देखने को मिले, इस पर छात्रों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से स्कोरिंग सिस्टम की बात की जाए तो अगर आप गलत प्रश्न का आंसर देते हैं तो 1 अंक काटने का प्रावधान था, लेकिन कई ऐसे छात्र जिन्हें 718, 719 और जिस तरीके से उन्हें अंक दिए गए वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण दिया गया। देखिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि एनटीए जो है इसको लेकर के जो कमेटी का गठन किए हुए था शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो छात्र इस मामले में इन्वॉल्व है, जिस 40 को चिन्हित किया गया है, उन्हें जो है रिजल्ट उनका रोक लिया गया है। कुछ छात्रों को 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और कुछ छात्रों को 2 साल के लिए यहां पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन जो ओएमआर सीट की बात कही जा रही है, जो कहा जा रहा है कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो उसको लेकर के एनटीए ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एनटीए के ने निष्पक्ष तरीके से एग्जाम दिए हैं, सिर्फ ग्रेस मार्क्स को लेकर 23rd of June को और इनका रिजल्ट 30th of June को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्जाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। गोपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपाल, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, या हम वकीलों को भी सुन रहे थे, कोर्ट में आज की जो कार्रवाई रही उसको लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें कही। हालांकि जो ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने की बात कही है, मुझे लगता है इससे जो तमाम बाकी छात्र हैं उन्हें काफी राहत मिली होगी, लेकिन काउंसलिंग एक तो रोकी नहीं गई है और दूसरी चीज ये कि अगर ग्रेस मार्क्स आपने रद्द किए हैं तो फिर वो जो रैंकिंग है उसे भी आपको दोबारा से जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही अन्य छात्रों का भविष्य और उन्हें कौन सा सेंटर मिलेगा, काउंसलिंग में नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी निर्भर करता है।
जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सवाल अभी बना हुआ है और यह सवाल जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी उस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाया जाएगा, क्योंकि 1563 जो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका दोबारा एग्जाम होगा, रिजल्ट भी निकलेगा, लेकिन क्या पूरे ऑल ओवर जो है वो रैंकिंग जो है वो तय किया जाएगा या ये जो 1563 एग्जाम देंगे उसके बाद सिर्फ इनका तय होगा और बाकी एज इट इज रखा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक बात यह भी कही गई कि जो छात्र सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं किए हैं या हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं किए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर उन पर भी पड़ेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें भी फायदा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप उनके लिए, उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रोबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान हुआ, जिनको ग्रेस नंबर, तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब NTA खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1500? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा, रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी। क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते हैं काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीज़ों को वापस सही करने की। क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल, रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। नहीं, आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंगानिया लॉ फर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में। तो लगातार आप देखिए प्रतिक्रियाएं भी आप देख रहे हैं, याचिका लगाई गई थी और इस याचिका के बाद कई छात्रों को जिन्हें फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही थी, मुझे लगता है कि काफी हद तक सेटिस्फाई होंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर छात्र चाहते हैं कि स्पष्ट आदेश हो, निर्देश हो। सबसे पहली बात यह कि देखिए इस बार पहली मर्तबा ऐसा देखा गया कि नीट एग्जाम में ग्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ग्रेस जिन छात्रों को मिला है उसमें 1563 छात्र ऐसे हैं जिन्हें दोबारा से अपना एग्जाम देना होगा। इसे किस तरीके से नीट कंडक्ट कराएगा इसको लेकर के भी कुछ रूल्स इत्यादि बताए गए क्या गोपाल? क्योंकि समय अब कम है, आज 13 तारीख हो चुकी है और अगले 10 दिनों के अंदर फिर से एग्जाम्स कंडक्ट कराने, इन छात्रों के लिए एडमिट कार्ड क्या पुराने सेंटर के हिसाब से ही रहेगा? ये तमाम चीजें भी होंगी जिस पर छात्र स्पष्टीकरण चाहेंगे। जी बिल्कुल, इस पर छात्र जरूर चाहेंगे कि आखिर जिन सेंटर पर उनका एग्जाम पड़ा था क्या उसी सेंटर पर उन्हें दोबारा परीक्षा देना होगा, क्या इसके लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा या पुराने एडमिट कार्ड पर ही वो परीक्षा देंगे, या सभी जो 1563 छात्र हैं जिन्हें दोबारा एग्जाम देने की बात कही जा रही है और NTA कह रहा है कि उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, तो अलग से क्या उनके लिए सभी को एक जगह सेंटर बनाया जाएगा? यह जरूर अभी सवाल है और इसको लेकर के NTA ने अभी जब अपनी रिपोर्ट NTA सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में सौंपेगा उसके बाद से ही यह तस्वीरें साफ हो पाएगी। लेकिन यह NTA ने साफ कर दिया कि दोबारा एग्जाम होगा 23 को और 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाली है।
ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग भी शुरू हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कह दिया गया कि इस काउंसलिंग रोकेंगे नहीं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ गोपाल कि जिनकी रैंकिंग है और काउंसलिंग में उनका नंबर भी आ रहा है, लेकिन अगर ग्रेस मार्क्स उन्होंने लिए हैं तो उन्हें एग्जाम दोबारा से देना है, तो ऐसे छात्रों के लिए जो बाद में भी बेहतर नंबर ला करके अगर रैंकिंग में आते हैं तो सीट्स का एलोकेशन फिर कैसे होगा? क्योंकि काउंसलिंग हो जाएगी तो सेंटर एलोकेटेड हो जाएंगे। इन छात्रों को लेकर के किस तरीके से एनटीए को हैंडल करना है तमाम चीज़ें? देखिए प्रीति जी, चूंकि 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होगा, 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो इन 6 दिनों के बीच में जो है एनटीए अपना रैंकिंग तय कर देगा सभी छात्रों को, जितने ऑल ओवर छात्र हैं 1563 चाहिए अन्य बाकी जो छात्र हैं उस हिसाब से रैंकिंग तय होगा और उसी हिसाब से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल जो है वो अलॉट किया जाएगा जहां पर जाकर के दाखिला ले सकेंगे। ठीक है गोपाल, एक सवाल और, 67 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस बार टॉप किया है, हालांकि दलील ये दी गई कि जिन सेंटर्स के छात्रों ने टॉप किया है उनका रिजल्ट बाकी सेंटर्स के मुकाबले बेहतर रहा है हमेशा से, बावजूद इसके ये कोइंसिडेंस है कि इस बार एक नहीं दो नहीं 67 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं, इसको लेकर कि कहीं कोई शको शुबा नहीं है? कोर्ट की तरफ से इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए गए इन एग्जाम्स को लेकर के? क्योंकि कोई ऐसा छात्र भी है जिसने 10th का, जिसने 12th का एग्जाम क्लियर तक नहीं किया लेकिन उसने नीट के एग्जाम में बहुत जबरदस्त रैंकिंग हासिल की है, प्रश्न तो खड़े होंगे। जी बिल्कुल प्रीति, प्रश्न खड़े होंगे और ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में उठाया भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 8 जुलाई को इस मामले में वो सुनवाई करेगा तो फिर डिटेल में सभी याचिकाकर्ताओं के ओर से दलीलों को सुनेगा, उसके बाद ही कोई आदेश जारी करेगा। क्योंकि जैसे ही एनटीए ने कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके लिए दोबारा एग्जाम देना होगा उन्हें और दोबारा उनके लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद से याचिकाकर्ताओं की तरफ से सिर्फ एक उठने लगी कि जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर लीक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल बना हुआ है और इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि जब 5 मई को पेपर हुआ था उस समय ही बिहार पुलिस ने यह कहा था कि हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच उसके द्वारा की गई थी, इसकी रिपोर्ट भी दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी सेंटर से 8 बच्चे जो है 720 में से 720 अंक लाए। इसी तरीके से हरियाणा के एक सेंटर से भी इसी तरीके के रिजल्ट देखने को मिले, तो कई ऐसे जगह है जहां पर इस तरीके से बल्क में रिजल्ट देखने को मिले हैं। हालांकि जो 720 अंक लाए हैं उन्हें एम्स नहीं मिलेगा सभी को, क्योंकि 36 से 40 सीटें एम्स में होता है और उसके बाद जो लोग हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेज का देखना पड़ेगा। लेकिन क्या दोबारा वो 67 बच्चे 720 में से 720 अंक ला पाएंगे जब वो दोबारा एग्जाम देंगे, यह देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो कोर्ट की तरफ से स्पष्टता के साथ में कुछ निर्देश दिए गए हैं और खास करके ग्रेस को लेकर के क्लियर कट ऑर्डर ये है कि ग्रेस को रद्द किया जाए, जिन छात्रों को ग्रेस दिया गया था उन्हें एग्जाम भी दोबारा देने होंगे, जिसके बाद मुमकिन है कि रैंकिंग एक बार फिर से चेंज होगी, इम्प्रोवाइज होगी और 23 जून को दोबारा से इन छात्रों के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, नतीजे 30 तारीख तक सबके सामने होंगे और 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी है। यानी कि जो नीट को लेकर के धांधली के आरोप लग रहे थे, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, एनटीए को लेकर के स्पष्ट निर्देश सामने आए हैं, 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।